तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है कि माचिस के डिबिया है और उससे मैंने जो है कि ट्रैक्टर बनाया है। और ये रहा बैटरी, और बैटरी से जैसे मैं करूँगा तो ये देखिए इस समय क्या है कि इस पर फिसल रहा है, ज़्यादा बल नहीं लग रहा है, इसको फिसल रहा है। तो आपको दिखाया था मैंने, और मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ आपको, देखिए मैंने किस तरह से बनाए हैं। तो आपने देख लिया, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है कि 9 माचिस जो है कि डब्बा होना चाहिए माचिस का, और आपको तो आप और ये इस तरीके से आपको ढक्कन लेने होंगे, जिसमें जो है कि इस तरह से होल मैंने कर दिए हैं, और इसमें केवल नहीं है तो इसको भी मैं होल कर दूंगा। और एक मोटर, ये 6 वोल्ट से 12 वोल्ट से भी चलता है, तो 6 वोल्ट से आप चला सकते हैं इसको। तो चलिए, और एक कैंची, और आपको एक दिखाता हूँ, और एल्फी। तो इसको जो है कि एल्फी से मैंने चिपका दिया, और ये चिपक गया, और यहाँ पर भी मट्टी मैंने लगा दी है, और इसको भी चिपका दिया। अब इसके ऊपर रख देना है, चारों तरफ जो है कि मट्टी लगा लेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पे चिपका देंगे इस तरह से, ये बन गया नीचे वाला। अब इसको जो है कि काटेंगे हाफ माचिस को, अब यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह, हाफ कट गया। अब इसको जो है कि यहाँ पे हम लोग चिपकाएंगे, अब इसको बनाएंगे। इस तरह से इसको जो है कि नुकीला बना लेंगे, इस तरह से चार नुकीला बना लीजिए। इसको एल पी से चिपका लेंगे। अब इसके नाप का यहाँ पे रख बनाएंगे, बराबर बराबर दूरी पर चार जगह होल कर देना है पतला से। यही सेम यहाँ पे रहेगा। इस तरह से समान दूरी पर जो है कि किट पर लगा लेंगे इसमें, उसके बाद जो है कि अब इसमें लगाएंगे। देख सकते हैं इस तरह से इसके नाप का यहाँ पे कट करेंगे। अब ये वाला पार्ट जो है कि बन रहा है, जिस तरह से मैं बनाया हूँ उसको बना रहा हूँ। अब इसको एल्फी से चिपका देंगे, और इसको यहाँ से, तो ऐसी जो है कि कलम में आपको जो जेल पेन होती है उसकी जो है कि ये रिफिल जो है कि आप ले लीजिए, और यहाँ से कट कर लीजिए। ये एल्युमिनियम का तार है जो वायर होता है, उसमें से मैंने निकाला है। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं, तो हल्का से यहाँ से मोड़ लीजिए, और यहाँ से कट कर लीजिए इस तरीके से। अब जो है कि अब आप क्या करेंगे, ये जो पाइप है इसमें डाल लीजिए इस तरीके से। ये ज़्यादा निकला हुआ, इसको और नज़दीक से कट कर लीजिए, देखिए इतना होना चाहिए। अब इसमें जो है कि ये लगा दीजिए, ये पाइप चिपकना नहीं चाहिए। इधर से मैंने एलपी से चिपका दिए हैं। अब इसको देखिए ये चल रहा है, यहाँ पे जगह नहीं हो पा रही है, कहाँ हम रखेंगे, इसलिए यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको बना दिए हैं। अब इस पर मट्टी लगा कर ये दोनों बराबर होना चाहिए सिरा। जो रिफिल बची थी इसमें का हिस्सा काट कर इसमें लगा, देखिए किस तरह से मैंने कट किया है। अब आप इसको इसे लगा देंगे, और फिर फेविक्विक से चिपका लेंगे, इस तरीके से चिपका लेंगे। देखिए चिपका रहा हूँ, एक एल्फी समाप्त हुई, दूसरी लग रही है। तो अब ये चक्का इसमें जा रहा हूँ लगाने के लिए, इस तरह से लग गया, और अब इधर से लगा देंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं दोनों तरफ से ये हो गया है, इसको मैंने बना दिए। अब ये वाला हिस्सा इस तरह से रहेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं ये जो है कि मेरा ट्रैक्टर बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से माचिस डिबिया से ऐसे गोल हम कट कर लेंगे, तो ये अब यहाँ से कट कर लेंगे, नोकीला बना लेंगे। ये दो बनकर तैयार, तो देख सकते हैं सेम इसके जैसा बन गया है, थोड़ा सा अंतर मैंने कर दिया है ये जो है। तो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये रही बैटरी, अब बैटरी में जो है कि वायर में जोड़ रहा हूँ, तो अब मैं इसे चिपकाने जा रहा हूँ, देखता हूँ चलता है कि नहीं। देख सकते हैं इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप इस ट्रैक्टर की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं। अब मैं इसको बैक करके दिखाता हूँ, अब मैं इसको जो है कि पीछे करूँगा, एक बार और मैं करके दिखाता हूँ।
देखिए ट्रैक्टर आ भी रहा है और मैं अपने ट्रैक्टर को पीछे भी करूंगा। तार जो है फंस चुका था, तो देख सकते हैं दोनों मेरा ये ट्रैक्टर है। अब इसको मैं बांध कर देखूंगा कि खींच ले रहा है कि नहीं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।